आज हम आप लोगों के बीच में पहुंचे हैं अब पंचमुद्रा जिले वाइज घूमते घूमते बालोतरा और ये आरक्षण सवर्ण अधिकार मंच एक बनाया गया है। इसमें ना कोई संगठन है ना कोई पार्टी है, सिर्फ जो आरक्षण से वंचित हैं, चाहे राजपूत हो, ब्राह्मण हो, बनिया हो, कश्यप हो, पंजाबी हो, आरक्षण से जो वंचित जातियां हैं उन सबको लेकर के ये एक मंच तैयार किया गया है। और इस 1 मार्च से इसी विधानसभा सत्र में हम अनशन और धरने पे बैठेंगे विधानसभा पे, और 3 मार्च को बहुत बड़ा एक घेराव विधानसभा का होगा। ये राजस्थान के इतिहास में विधानसभा पे पड़ाव आरक्षण के लिए पहली बार होगा। और उस आरक्षण के साथ साथ हमारी पीड़ा ये है, जो करसा राजपूतों को आरक्षण दे दिया गया था, दिया हुआ सरकार की कमजोर पैरवी के कारण छीन लिया गया। 2008 में कह लो सरकार देकर के गई थी आरक्षण, और उस आरक्षण को ये दे नहीं सकते, तो दिया हुआ तो मत छीनो। करसा राजपूतों का जो आरक्षण था, जैसे परमार हैं, भायल हैं, उनको दिया हुआ आरक्षण था वो छीन लिया, और उसके मांग भी आंदोलन में साथ है। इसके साथ साथ जो चतुर सिंह का इन लोगों ने श्रेयाम मर्डर किया था और चतुर सिंह शहीद हुआ था, उसमें इन्होंने कहा था कि सीबीआई जांच देंगे और परिवार को मुआवजा देंगे। आज तक दोनों मांगे पूरी नहीं हुई। ये मांग भी चतुर सिंह वाली भी इसमें शामिल है। इसके साथ साथ हमारी मांग है सरकार से कि देव नारायण बोर्ड की तर्ज पर हमें भी महाराणा प्रताप के नाम से एक बोर्ड गठित किया जाए, जिसमें पैसे डाल करके जो सवर्ण कास्ट के गरीब भाई और बहन है उनकी मदद करें। सर, राजस्थान में कहाँ कहाँ दौरे किया आपने? राजस्थान में हमने पूरे राजस्थान की कर रहे हैं। अभी मेवाड़ और मारवाड़ इस क्षेत्र में चल रहे हैं। ये पूरा होने के बाद हम लोग हाड़ोती में और शेखावाटी में जाएंगे। शेखावाटी के सीकर जिले में भी मीटिंग कर चुके हैं। और आपने देखा होगा पिछले दिनों ये फिल्मों के बाद राजपूत स्वाभिमान की बात नहीं, ये पूरे हिंदुत्व के स्वाभिमान की बात है। बंसाली जो इतिहास के साथ छेड़छाड़ कर रहा हमारे, वो कतई नहीं करने देंगे। उसको इसमें खिलची को हीरे के रूप में नहीं दिखाने देंगे। वो बिलियन था और उसको बिलियन ही दिखाएं, और रानी पद्मनी का चेहरा तक नहीं देख सका था। ये एक राजपूत स्वाभिमान की बात नहीं, ये 16,000 सतियों के स्वाभिमान की बात है। नहीं नहीं नहीं, उस समय कांच हुआ ही नहीं करते थे। ये सब एक बनावटी बातें हैं और इतिहास के साथ हम छेड़छाड़ नहीं करने देंगे। इस फिल्म की बात नहीं है, हमने पूरी फिल्म इंडस्ट्री को कह दिया है, आगे से आपने राजपूत समाज के साथ और हिंदुत्व के साथ खिलवाड़ करने की कोशिश की तो आपको नहीं बख्शेंगे।